Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's your boy Toasty. और सूरत आया हूँ मैं यहाँ पे मेरे मामा की शादी में. शादी वादी सब हो गया है एंड आई एम स्टेइंग हियर फॉर वन एक्स्ट्रा डे. और यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये है कि मेरे जितने भी मामा है, ये परिमल मामा है, ये रवि मामा है, दूसरे मेरे मामा है पिंकू मामा, वो अभी ऊपर है, जस्ट नीचे आ रहे हैं. तो ये सारे बचपन से स्नूकर के बहुत बड़े वाले महारथी है. तो मैं जब भी इधर आता हूँ एक दिन एक्स्ट्रा रुकता हूँ और इन सबके साथ स्नूकर खेल रहा हूँ. और आज ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ये सब लोग आज एक साथ मेरे साथ स्नूकर खेलेंगे. बाकी इंडिविजुअली या तो मेरे को ये ले जाते हैं या तो ये मामा ले जाते हैं या तो पिंकू मामा लेके जाते हैं. मैं लेके जाऊंगा. हाँ, आज ये पिंकू मामा आज सारे जा रहे हैं साथ में स्नूकर खेलने. अगर तुम लोग को रैंक करना है कि सबसे बेस्ट टू सबसे वर्स्ट, नंबर 1, 2, 3 कौन खेलता है आप में से? नंबर 1 कौन खेलता है? ये वाला. फिर उसके बाद मेरा वाला. फिर थर्ड. ओके, देखते हैं कि ये रैंकिंग सच है कि नहीं. मैं तो फोर्थ ही आऊंगा भाई. मैं फोर्थ भी नहीं, 400 भी आऊंगा. मेरा गेम बहुत खराब. ओके, कम ऑन, चलो चलते थोड़ा सा स्नूकर खेलते. प्रियांश, हमें सूर अम्मा जी. प्रियांश बोल, स्नूकर हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल. सब पहचान गए, इनको पहचानते सारे. नीचे आमरू ने वो इधर भाई, इनका नाम चलता है पूरे सूरत में. कोई भी पूल पार्लर में जाके तुम बोलो रवि, सब पहचानते इनको. अपेरेंटली इन्होंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले अहमदाबाद में, बॉम्बे में, और काफ़ी बढ़िया वाइब्स मारे हैं. सो लेट्स सी कैसा है भाई. मेरी तो फट रही इन लोग के साथ खेलने. भाई ये बहुत गजब लेवल के प्लेयर है. इन लोग को बताओ मामा कि आपने कौन से टूर्नामेंट खेला, कब से खेलना स्टार्ट किया? एक्चुअली खेल रहा हूँ मैं 18 साल से. मैं 18 साल का था जब से खेल रहा हूँ. टूर्नामेंट तो मैंने खेले अहमदाबाद में जो स्टेट लेवल के होते हैं गुजरात के, ठीक है, और सूरत में भी खेला हूँ जो सूरत लेवल पे होते. मेरी जैसी गेम है उस हिसाब से मेरे बहुत फैन है. मैदर पूरा स्टाफ है मेरा फैन था वो टाइम पे. एवरी नाइट वो लोग 1 बजे 1:30 बजे स्पेशली मेरी गेम देखने आते थे. स्पेशली पुलिस वाले लोग भाई गेम देखने आते थे. वैसा मस्त टूर्नामेंट वाला माहौल होता होगा. वो मेरे को एक और किस्सा बताया इन्होंने. सुनो सुनो, आप और रवि मामा एक दिन ऐसे निकल गए कि आज कुछ मचाते हैं टाइप्स, और पूरे सूरत के एक एक पार्लर में जाके आप लोग खेले और सूरत का टीम ज्वाइन किया. कैसा रहा? मतलब ऐसे लाइफ का वन टाइम एचर बोलते हैं ना वो. मतलब सूरत का एक भी प्लेयर बाकी नहीं जो हमारे बीच के जीत के थे, सबको हरा के. वाह, सूरत का एक हुए. एक लैन इवेंट होता है और तुम लोग जब जाके हर एक अचीवमेंट वाले प्लेयर को हराते हो, कैसा फीलिंग आता है? इन्होंने हर एक सूरत के स्नूकर स्टार को मारा है भाई. अभी अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है. चलो सी यू देयर. लेट्स गो भाई. इससे पहले बहुत खतरनाक शॉट है, बस रिकॉर्ड करना भूल गया मैं. एक और लाल आ गया. माँ कसम भाई, खखड़ खखड़ मार रहा है बॉल को. जिन लोग को भी देख रहे ना, ये दो बंदे जो फ्रेम में, वो दोनों 18 से 20 साल से खेल रहे हैं स्नूकर, और इन्होंने भी कम से कम 10 साल खेला ही होगा भाई. ये सब लोग खेलते थे, इनके सामने कोई खड़ा नहीं रहता था. आज मेरी फट रही, एक शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा. ओ भाई, जंप हो रहा. अभी जस्ट फर्स्ट मैच खेले हम लोग भाई. मेरे गिन के 2 शॉट स्पॉट हुए, बाकी मेरा तो स्ट्रोक भी सही नहीं जा रहा भाई. ये टपाटप टपाटप ब्लैक बॉल दिखा ना अभी इन्होंने निकाला. ये लॉन्ग शॉट खेल रहे इनका तो भाई गलत लेवल स्कैम है. ये मार किधर रहे, जा किधर रहे, लेकिन सारे पॉट जा रहे भाई. और कितने लोगों ने यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेले, गुजरात लेवल के टॉप प्लेयर्स भी है.
एंड देन देयर इज द बिहाइंड स्टोरी जो तुम लोग को नहीं पता है. इफ यू कम टू पार्लर्स यू जस्ट सी कि ये लोग है खेल रहे हैं, बट उनके पीछे का जो बैक स्टोरी होता है आई ट्राई टू गेट दैट टू यू. ये मेरा दोस्त है विस्मय. क्लासिक केबल जो होते हैं वो गुजरात के अंदर पहले लाने वाले ये पाए गए विस्मय भाई. सूरत के अंदर सुमुल जेरी रोड पे. सो ये यहाँ के ओनर क्या नाम है इस जगह का? जेड स्नूकर. आपका नाम क्या है? साकेत. तो यहाँ पे जो भी प्लेयर्स खेलते हैं अगर किसी को ऐसे कम्पीट करना हो या स्नूकर में कम्पिटिटिव खेलना हो जैसे आप लोग खेलते हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तो पहले बेसिक एक दो सेशन लेके सीखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. थोड़ा मतलब मास्टर क्लास लेना चाहिए स्नूकर का. और यूथ को एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए स्नूकर में, क्योंकि इसमें यूथ बिल्कुल अभी मोबाइल गेम जोन सब इसमें ही पड़ा है. तो स्नूकर खेलेंगे तो थोड़ा यूथ में भी इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो अगर एक बच्चे को अगर आपको ट्रेन करना है तो व्हाट इज द राइट एज फॉर हिम टू गेट इनटू स्नूकर? 10-12 साल से वो अगर इसमें थोड़ा भी इन्वॉल्व होता है तो 18-20 तक ना इसमें मतलब पर्टिकुलर हो जाएगा इसकी गेम थोड़ी एक्यूरेट हो जाएगी. और यहाँ पे भी जो दो लोग बैठे हैं वो लोग भी बहुत सारा खेल के बैठे हैं यहाँ पे. आपका नाम क्या है? जॉन. मैं आप कितने साल से खेल रहे हो? मैं 15 साल. दोनों दोस्त लोग साथ ही खेलते थे 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं. कैन यू इमेजिन गाइस, यू गाइस हैव प्लेड टूर्नामेंट्स टुगेदर? साथ में हम लोग खेलते हैं. ये मेरा खास दोस्त है. ये बंदे ने जो इंडिया के टॉप 8 में जो आता है फैजल खान करके, इसने उसको बीट किया और ऐसा बीट किया है भाई कि वो एक हिस्ट्री है. आप लोग सर्च करोगे 1-2 साल पहले के ही बात है भाई, बंदे ने जो उसको हराया है. मैं बताना भूल गया, हम लोग यहाँ पे है जेड स्नूकर. जेड मतलब ये जी वाला, जीब्रा वाला जेड स्नूकर. स्टेशन से सूरत स्टेशन से जस्ट 1 मिनट का रास्ता है यहाँ तक का. और आई थिंक दिस इज़ दी ओनली प्लेस वेर यू विल फाइंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग जो 15 साल से खेल रहे हैं, 20 साल से लोग खेल रहे हैं. यहाँ पे मैंने देखा एक अंकल, ही इज़ बीन प्लेइंग फॉर 20 ईयर्स. उनके साथ जिन्होंने खेलना स्टार्ट किया था जो 20-20 साल वाले जो जवान लौंडे थे वो सब रिटायर हो गए, इंक्लूडिंग दिस गाय मेरे मामा. इन्होंने भी छोड़ दिया लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं. दैट शोज़ द लव फॉर द स्पोर्ट. एंड जितना तुम क्रिकेट देख रहे हो जैसे अपना गेम है ई स्पोर्ट्स वैलोरेंट, जो अभी वैलोरेंट है पबजी मोबाइल, यू कम्पीट स्नूकर का एक वैसा ही बड़ा एक क्रेज़ है. एंड इफ़ यू सी ऑल ऑफ दीज गाइज, ये मेरे साथ बैठे जॉन भाई है, ये पीयूष भाई है, और यहाँ पे है शाकिर भाई, ये मेरे मामा रवि मामा. आपका नाम? अनास भाई. ये अनास भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मचा के बैठे हैं स्नूकर में. कौन से ईयर में आपने खेला था? गुलमोहर में 2019 गुलमोहर में खेले थे. एंड यू आर द फाइनलिस्ट. इनका अगर नाम सर्च करोगे अनास अनस चांदी वाला तो आपको YouTube पे इनके मैचेस भी दिखेंगे. आपको क्या लगता है अभी कंपटीशन किस लेवल पे? सूरत में तो गेम बहुत डाउन है स्नूकर का. यूथ नहीं आ रहा है, यूथ नहीं आ रहा है. प्लेयर जो यंगस्टर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे कोई भी, क्योंकि स्नूकर को बहुत लास्ट में रख रहे हैं गेम के लिए. उसमें यूथ फैमिली कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. ऑल्सो मेरे को जानने मिला इफ़ यू प्ले स्नूकर, अगर आप रिप्रेजेंट करते हो स्टेट खेलते हो नेशनल तक पहुंच जाते हो इफ़ यू आर अ गुड प्लेयर, रेलवे वाले भी सपोर्ट करते हैं भाई. रेलवे पीपल स्पॉन्सर यू, दे ऑल्सो टेक ऑल द चार्जेस ऑन देमसेल्व्स. और तुम्हारा जो ट्रैवल है, तुम्हारा जो मैच का चार्जेस होता है वो सब दे टेक इट ऑन देमसेल्व्स. एंड यू कैन ऑल्सो गेट गवर्नमेंट जॉब इन रेलवे. दैट्स अमेजिंग, मेरे को आज पता चला है बारे में. ऑनेस्टली मैं इतनी जगह पे खेला हूँ, मैं अहमदाबाद में भी जाता था स्नूकर खेलने में. कितने 10th स्टैंडर्ड से मैं खेल रहा हूँ, अभी आ गया सेकेंड ईयर कॉलेज. बट इतने एक्सपीरियंस लोग मैंने एक जगह पे बैठे नहीं देखे, विच इज़ वाई आई एम नॉट प्लेइंग देयर एट द टेबल, आई एम हेयर विद देम एट द टेरेस. इनके साथ जो बातें करने में मजा है, यू एक्चुअली गेट टू सी द बैक स्टोरी ऑफ द स्पोर्ट. ये स्नूकर इज़ नॉट जस्ट कि टेबल पे है, तुम लोगों ने डंडी से बॉल मारा बॉल गिरा, नहीं, इसके पीछे इन्होंने कितने साल डाले. एंड देयर इज अ रीज़न वाई it has been like that. So if you wanna try your hand into snooker, visit this place, Z Snooker Club. और description में मैं कुछ डाल दूंगा ताकि आप लोग इन्हें contact कर सको. And if you want to get into the sport, amazing है यार. Can you guys arrange a coaching for them? अगर if they approach you, can you help them? भाई हो गया ना सेट, आ जाओ स्नूकर खेलो सूरत में. जैसे ई स्पोर्ट्स को अपना इतना बूस्ट मिला यूथ के आने के बाद, आई थिंक हम लोग को ये मोबाइल गेमिंग छोड़ के कभी स्नूकर खेलने जाना चाहिए, बॉलिंग खेलने जाना चाहिए, ऐसे सारे स्पोर्ट्स भी ट्राई करने जैसे यार. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. एक चीज़ जो तुम्हें करनी है, अगर ये व्लॉग तुम्हें पसंद आया लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम दे रहा हूँ जाके फॉलो करो. आ जाओ फटाफट से इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तब तक के लिए बाय.